ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम मैं हर तरह से करोड़पति बन जाऊं नोटों की गड्डियां मेरी जेब में भर जाए अरे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए तो कितने कितने टेंशन टाइप और इतने सारे जीरो की मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ अभी तू तो साहब बन गया डॉट 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 टेंशन अपनी लूज कर गया डॉट 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 तेरे कोट में भी पैसा तेरी पैंट में भी पैसा ढेर सारा पैसा अब तो अच्छा ही अच्छा होगा बस करो बेटा बस करो अरे वाह चुईया अब तो कभी करोड़पति बन गया हाय चुईया अब वरदान मांगने की बारी तेरी क्या मांगेगी कोयल दीदी हमने सोच लिया है कि हमें वरदान में क्या मांग रहा है डरते डरते ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम हमें ढेर सारा सोना अरे क्या वरदान मांग रही हो अरे अगर पैसा है तो सोना है सोना है प्रिया क्या हुआ चुईया रीटा पता नहीं बहुत नींद आ रही हमको डरते डरते क्या कपी के टोकने की वजह से ये सोना चाहिए की जगह सोना है बोल गई अब ये ऐसे ही सोती रहेगी बस ये भगवान मतलब हावड़ा मेल कलकत्ता की जगह दिल्ली पहुंच गई ओफो देखा बाबूजी बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कभी किसी को बीच में टोकना नहीं चाहिए रिजल्ट सामने बात तो तेरी सही है बेटा तो बच्चों अब तुम्हारी बारी सोच समझ के मांगना वरदान ओके ठीक है ठंडा पानी स्नानम वरदान स्वीकारम मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए और लोग मुझे उसी नाम से पहचाने अरे वाह गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले अरे वो बेटा तू गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले को गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाला क्यों बोल रही है ओहो बाबूजी आप ही तो गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले को गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले बुला रहे हो क्या हो रहा है सब मेरे नाम के साथ एड्रेस क्यों बता रहे हो लेट मी एक्सप्लेन जस्ट अ बिट अभी तुमने मांगा गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले कि आपका नाम बड़ा हो जाए तो हो गया तुम्हारा नाम बड़ा गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले चाहो तो अपना आईडी चेक कर लो गिल्लू घोटक केसरी नारायण बनारस वाले ओह गॉड बड़े नाम से मेरा मतलब था कि मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन जाऊं तुमको वरदान मना वो शोहरत मांगनी चाहिए थी मेरा मतलब वही था अब तेरा वरदान तो वेस्ट हो गया गज बेटा तू कुछ अच्छा मांगना हाँ ओके ठंडा पानी स्नान वरदान स्वीकारम हाँ मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मैं इतना अच्छा गिटार बजाऊं कि सब मेरी गिटार की धुन पर झूमने लगे टेंशन टाइट मतलब जब भी गज गिटार बजाएगी हमें नाचना पड़ेगा मच्छे अब तेरी बारी है तू वरदान में ना ड्रम्स मांगना हम दोनों मिलकर बैंड बनाएंगे नहीं चाहे कोई तुझे कुछ भी कहे बस कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा बच्चे को जो मांगना चाहता है मांगने दो बेटा
तुझे जो भी मांगना है मांग, अपनी मर्जी से मांग। दादू मैंने सोच लिया है मुझे क्या मांगना है। ठंडा पानी स्नानम, वरदान स्वीकारम, मुझे दुनिया के अनलिमिटेड चॉकलेट चाहिए। अपने वरदान मांग लिए, अब सिर्फ मक्खी का वरदान बाकी है। मक्खी तू अपने वरदान में ये मांग कि कोई कुछ नहीं कहेगा। मक्खी बेटा तुझे जो मांगना है वो मांग। दादू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोच समझ के कल मांग लेना, कल सुबह भी तो शुभ काल आएगा। ओके दादू। ठीक है चलो, आज का वरदान समारोह यहीं समाप्त होता है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। चलो ओफो, मेरी डेक्कन क्वीन तुम्हारे चेहरे पे ये रेड सिग्नल क्यों दिख रहा है? कोयल मेरी बात तो सुनो। कोयल मालगाड़ी की तरह अपने इंजन को ज्यादा झटके मत दो। कोयल मेरी गर्दन आपकी वजह से अटक गई है, मुझे दर्द हो रहा है और आप हंस रहे हैं। सॉरी सॉरी कोयल, तुम अपनी गर्दन जहां चाहो घुमा सकती हो। आपके गुस्से की वजह से मेरा वरदान बेकार हो गया। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हारा वरदान वेस्ट हुआ है। अपना गुस्सा शांत कीजिए वरना आप बोल नहीं पाएंगे। देखो कोयल, इतनी छोटी सी बात के लिए आज के डॉल्बी साउंड के जमाने में तुमने मुझे साइलेंट मूवी बना के रख दिया है, और तुम हो कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझसे नाराज हो। अच्छा देखो, अगर मुझ पे इतना ही गुस्सा है तो मुझे एक थप्पड़ मार दो बस। ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे सच में थप्पड़ मार दिया? मैं मारना नहीं चाहती थी लेकिन आपने बोला तो मेरा हाथ अपने आप उठ गया। देखो कोयल, मेरे पास तो वरदान है कि मैं सबसे अपनी बात मनवा सकता हूँ, फिर मैं कोयल को मना क्यों रहा हूँ? कोयल तुम मेरे साथ प्यार और तमीज से पेश आओगी। जो आज्ञा स्वामी। और अभी के अभी मेरे सर की तेल मालिश करोगी। जी स्वामी, आइए आइए बैठिए। ओहो, क्या प्रॉब्लम है मेरे बॉस को। मक्खी तेरी गोटी गई एनाकोंडा के मुंह में। ये गलत है गधा चाचू, आपने हमें हरा दिया। चलो फिर से खेलते, अब मैं आपको हराऊंगी। ओह आई एम सो सॉरी, आई कांट प्ले, मुझे बाबूजी के साथ बाहर जाना है अर्जेंट। मच्छू भैया तुम मेरे साथ छड़ी खेलो ना। नहीं मक्खी, मैं भी चॉकलेट खाने में बिजी हूँ, अभी मैंने बस 6 कंट्रीज की चॉकलेट खाई है और अब मैं खाऊंगा लंदन की चॉकलेट, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट, अमेरिका की चॉकलेट। मेरे साथ कोई खेलो ना। ओह आई एम सो सॉरी। हरिओम दादू, आप प्लीज मेरे साथ सांसुड़ी खेलो ना। नहीं बेटा, अभी तो मुझे जाना है। दादू मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, प्लीज एक बार खेलो। अच्छा ठीक है, एक गेम खेलते हैं और फिर जाते हैं। एक मिनट बाबूजी। क्या भूल गए आप? आप इस वक्त बिजली की चलती फिरती नंगी तार है, करंट मार दें। हरिओम हरिओम, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। दादू क्या हुआ, मेरे साथ खेलो ना। नहीं बेटा मैं नहीं खेल पाऊंगा, वो क्या है कि अगर मैंने तुझे छुआ तो तुझे फिर से करंट लग जाएगा, है ना? तो हम लोग बाद में खेलते हैं बेटा, ठीक है? ओके दादू। जरा मेरी छड़ी देना। अरे गधा चाचू,
अगर आप दादू को छड़ी दोगे तो आपको करंट लगेगा। मिस्टर मच्छर कपी नारायण क्लास 3 में सिखाते हैं कि लकड़ी की चीज से कभी करंट नहीं लगता है। बेसिक साइंस। I'm right, बाबूजी। You are right, Mr. GP उर्फ गदा प्रसाद। Now come on, give me. तेल मालिश के बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रहा है। कितना बेशरम है ये आदमी, इतनी बार फोन काटा फिर भी बार बार फोन किया जा रहा है। हाँ हाँ, हम तो बहुत बड़े बेशर्म और ठीठ आदमी है, लेकिन आप तो बहुत बड़े रईस और इज्जत वाले हो ना, इसीलिए बार बार मेरा फोन कट कर रहे हो। सर बात ये है कि आज आपके साथ बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। अच्छा, मेरे साथ बात करने का मूड नहीं हो रहा था और झूठ बोलकर दूर दूर के रिश्तेदारों के यहाँ नामकरण संस्कार में जाने का मन हो रहा था। लेकिन इतनी छोटी सी बात बताने के लिए आप मेरे घर चले आए? नहीं, मैं तुम्हें इतनी सी बात बताने नहीं, तुम्हें नौकरी से निकालने आया हूँ। अच्छा, हाँ तो फिर आप डांस क्यों कर रहे हैं? तुम भी तो कर रहे हो। ओ गज बेटा, गिटार बजाना बंद कर, क्या सीरियस बातें चल रही हैं? ओके ताऊ जी। गज, अच्छा तो आप मेरा सस्पेंशन लेटर लेकर आए हैं? हाँ हाँ, लेकिन आपका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप तो पूरी इंडियन रेलवे खरीद लोगे। अरे नहीं नहीं सर, मैं पूरी इंडियन रेलवे नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं सर, अगर मैं सरकार से ये कहूं कि वो मुझे इंडियन रेलवे दे दें तो मना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये पकड़ो अपना सस्पेंशन लेटर और कल से स्टेशन मत आना। सर आप ये सस्पेंशन लेटर फाड़ दीजिए। ठीक है, फाड़ देता हूं, ये लीजिए। और आज के बाद मेरे साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे आप? जी नहीं घोटक नारायण जी, बिल्कुल नहीं करूंगा। जरा इधर आइए। बोलो क्या बात है? मुझे आपसे मदद चाहिए, घर में ना बहुत सारा काम है और चूहिया अपने वरदान की वजह से सो रही है, तो आप ये कपड़े सुखा देंगे? कपड़े सूख जाएंगे मेरी डेक्कन क्वीन। और भी कुछ काम हो तो बोलो। कपड़े सुखाने के बाद आंगन में झाड़ू लगा देना। झाड़ू भी लग जाएगा? सर आप ये कपड़े छत पर सुखा देंगे? नहीं। मैं पूछ क्यों रहा हूँ? आप ये कपड़े छत पर सुखाएंगे। ठीक है, लीजिए। और कपड़े सूख जाएं उसके बाद नीचे आके आंगन में झाड़ू भी लगाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा है गोटक महाराज जी। और उसके बाद स्टेशन भी जाएंगे, आज का मेरा जो काम है वो भी संभाल लेना। क्या है कि आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है मेरा। सब हो जाएगा, मैं जरा टहल कर आता हूँ। जी जैसी आपकी आज्ञा। ऊपर भगवान मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। छोटे देख रहा है चिड़ियाघर का चूजा कैसे उछाले मार रही है? एक्सक्यूज मी सर, आई डोंट वांट फ्लैट, आई वांट विला। देखिए सर, पैसों की नो टेंशन टाइट, आप शहर का सबसे महंगा प्लॉट बुक कर दीजिए। इफ यू वांट कैश आई विल गिव यू कैश, इफ यू वांट चेक आई विल गिव यू चेक। भैया इस चिरकुट की जेब में देखो कितने सारे नोटों के बंडल हैं। वही देख रहा हूँ छोटे। बंडल हमको महंगे पड़ जाएंगे, वैसे भी एक चिड़िया घर वालों के साथ हमारी कुंडली कुछ जमती नहीं है। अबे कुंडली जमाने के लिए शादी करनी है उससे बे? छोटे वो देख उसकी जेब में कितना माल है, अगर ये माल बेटा हमको मिल जाए तो 2 साल की रोटी विद बोटी जेल में। ऊपर भगवान मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। चल चल भाई चलो। ऊपर भगवान मुंबई में सलमान और यहाँ बलवान। भैया अब देखना
हम तीनों भाइयों की लॉटरी लगेगी, लॉटरी। भैया लेकिन हमने लॉटरी का टिकट कब खरीदा? अभी खरीदा बेटा, अभी। सुनो बे, सारा का सारा माल बलवान बैंक में जमा करा दो शराफत से। टेंशन टाइट। भैया आपने बैंक कब खोल ली? अभी खोला बेटा अभी। पहले पेट भर के इसकी अच्छे से कुटाई करो, फिर सारा का सारा माल ले लो। टेंशन टाइट। पर व्हाई फाइट? आप पैसे आप ऐसे ही ले लीजिए, इसमें तुड़ैया क्यों? ऐसे कैसे ले सकते हैं पैसे? क्योंकि चिड़ियाघर वालों को जब मैं देखता हूँ ना, तो मेरे हाथ में बहुत जोर से खुजली होती है। तो पहले तुड़ैया और बाद में माल खिसैया। देखो पंगा लेने के बाद पूरे शरीर में खुजली होती है। अटूट बंधन गोंद याद है? याद है। अबे बलवान भैया, मेरे छोटे भाई को क्या डरा रहा है बे? ओहो घोटक नारायण, देखो बे देखो, चिड़िया घर की बड़की तोप आई है, अब इसे भी डराना पड़ेगा। अब देखना भैया, इन दोनों भाइयों की कैसे सुताई होगी। हाँ भैया, हमारी बाई आंख फड़क रही है, हम जा रहे हैं। तो बेटा हमारा दायां हाथ फड़क रहा है। अरे मारे से। तुम तीनों जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे भैया ये हम तीनों मोबाइल की तरह क्यों हैंग हो गए? अब तुम तीनों एक दूसरे की कुटाई करो। बोलो ठंडे पानी वाले बाबा की जय। लंदन की चॉकलेट खाली, अमेरिका की भी चॉकलेट खाली, और ये स्विट्जरलैंड की। इसके बाद कौन सी खाऊं? सिंगापुर की खाऊंगा। मच्छर भैया मुझे भी चॉकलेट दो ना। पहले तो अपने वरदान में मेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार मांग। मुझे मेरे वरदान में रिमोट कंट्रोल कार नहीं मांग। तो मैं भी तुझे चॉकलेट नहीं दूंगा। बेटा मक्खी, वरदान में जो भी मांगना जल्दी मांग लो, वरना कहीं अगर वरदान की स्कीम एक्सपायर हो गई तो टेंशन टाइट हो जाएगी। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगूं? अरे तू समझ नहीं आ रहा तो अपने लिए अक्ल मांग ले। हाँ। मैं पहले से इंटेलिजेंट हूँ। क्या इंटेलिजेंट? तो मेरे लिए कुछ मांग लो। मिला तोतला तो मुझे तोतला उठ के छुड़ा रहे थे ना। अब देखो ठंडा पानी नरम, वरदान स्वीकारम, मुझे छोड़ के सब लोग तोतले हो जाए। डोमुख, डोमुख मैं तेतन डाल रहा हूँ, चल तुझे भी छोड़ देता हूँ, चल। भैया ये क्या हो गया? तो तमक कैसे हो गया? तो तमक मुझे बताओ। डोमुख तू मेरा मजाक बना रहा है? नहीं नहीं भैया नहीं, सरो विथवार। चुप, दोबारा मजाक बना ले मेला तो अकेला कूदा। मैं तलता हूँ। क्या भैया क्या तल लो? अरे थोड़ी भदिया भी तल लो, मजा आ जाएगा। उड़ाओ तब मिलके मेरा मजाक उड़ाओ। मजाक? अरे मैंने कहा आपका मजाक उड़ाया, मैंने बोला थोड़ी भदिया तलो तो मजा आ जाएगा। अरे तो मैं तल नहीं रहा हूँ, मैं तल रहा हूँ। टेंशन टाइट। अरे मैंने भी तो टेनी बोला ना तलो। अरे तो सब लोग मेरा मजाक बना ले लो। बॉक्स कहाँ लगा है मेला? देखो तुम लोगों देखकर पता बेटा गिल्लू घोटक केसरी नारायण बराज वाला मेरा मजाक बना रहा है। अरे मैंने कहा मजाक बना है, मैंने कहा बदिया। अरे मजाक नहीं बना है, तुम लोग अकेले बदिया था तो तुम का एक था। चलो चलो बोल ले, तुम तकिया देखा जाए। तुम टमाटर टमाटर माल दिया। हे भगवान ये क्या होला चलते चलते? भैया तुम भी उड़ाओ मेरा मजाक। हम तपते बात तोतली हो नहीं, पॉप तो लग रहा है, उनका मजाक उड़ा ले। फुल तब लगा, ए गिटार बजाना बंद कर देने रे, वरना हम नाचते रहेंगे, नाचते 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 रहेंगे। जी दादा मिली आवाज को क्या हो गया? हे भगवान कहीं ऐसा तो नहीं थी
मक्खी ने ऐसा वरदान मांग लिया हो दलते दलते? क्या? मक्खी? हाँ, मैंने ऐसा वरदान मांगा है। टेंशन टाइट। मतलब हम सब अब अकेले ही रहेंगे डे एंड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.